my dear friends. This is Ibrahim and welcome to Angel Institutes. Dear friends, today I just started a topic that is known as chromosome. Friends, आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं बहुत ही अच्छी सी टॉपिक जिसका नाम है क्रोमोसोम। बात करेंगे यदि क्रोमोसोम क्या होता है, थोड़ा सा बात समझेंगे यहाँ पे। क्रोमोसोम, ठीक है, ये जो क्रोमोसोम टर्म जो है वास्तव में ये दो चीजों के मिलने से बना है। ये जो क्रोमोसोम टर्म है दो शब्दों के मिलने से बना हुआ है। सबसे पहला है क्रोमो और दूसरा होता है सोमा। देखना यहां पे, क्रोमो और दूसरा है सोमा, ठीक है, याद कर लेना। क्रोमो का मतलब होता है कलर और कलर का मतलब होता है रंग। कलर का मतलब क्या होता है? रंग। और सोमा, सोमा का मतलब होता है बॉडी। बेबी, ओ सॉरी, बेबी नहीं होगा यहाँ पे, बॉडी होगा। स्पेलिंग मिस्टेक हो जाता है, थोड़ा ध्यान में रखेंगे। यहाँ पे क्या होगा? बॉडी, ठीक है। मतलब कह रहा है ना कि ऐसी बॉडी जो कि कलरफुल हो, रंगयुक्त हो, तो इस तरीके की बॉडी को हम लोग क्या कहते हैं? क्रोमोसोम कहते हैं। अब एक्चुअली ये जो क्रोमोसोम जो है ना, ये मौजूद कहाँ पे होता है? तो ये सेल के अंदर मौजूद होता है। ये कहाँ पे मौजूद होता है? तो सेल के अंदर मौजूद। जैसे मान लीजिए ये सेल है, तो सेल के बिल्कुल सेंटर वाले में क्या पाया जाता है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस, EOUS, न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के अंदर यहाँ पे लगा रहता है क्रोमोसोम के कुछ पार्ट्स, ऐसे क्रोमेटिन थ्रेड, ठीक है। तो जब वास्तव में सेल का डिवीजन होना रहता है, तो सेल के डिवीजन के समय ये जो क्रोमेटिड होते हैं, नाम क्या है इसका? क्रोमेटिड। ये जो क्रोमेटिड होते हैं ना, यही टूट टूट करके क्रोमोसोम का निर्माण करते हैं। एटोल क्रोमोसोम है क्या एक्चुअली में? तो क्रोमोसोम ये न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं। ये क्रोमेटिन जब सेल डिवीजन हो रहा था तो ये टूट टूट करके किसका फॉर्मेशन की है? क्रोमोसोम। और क्रोमोसोम जो टर्म है ये दो शब्दों के मिलने से बना है। पहला है क्रोमो और दूसरा होता है सोमा। क्रोमो का मतलब होता है कलर और सोमा का मतलब होता है बॉडी। मतलब ऐसी बॉडी जो न्यूक्लियस के अंदर रंगने पे एसिटोकार्बिन के द्वारा, अभी प्रैक्टिकल हमने करवाया था, तो एसिटोकार्बिन के रंगने से ये रंगा जाता है, तो इस तरीके की बॉडी को ही हम लोग क्या कहते हैं? क्रोमोसोम कहते हैं। कोई डाउट तो नहीं है ना? अब आगे समझना, क्रोमोसोम की जो डिस्कवरी है, क्रोमोसोम का जो डिस्कवरी है, इसकी डिस्कवरी सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था वॉल्डेयर। वॉल्डेयर ने सबसे पहले, हमें लग रहा है कि ये 1888 में वॉल्डेयर ने इसकी डिस्कवरी की थी। अच्छा, एक चीज देखिए, आप देखे होंगे कि सेल डिवीजन का भी डिस्कवरी इसी के आसपास में हुआ है। माइटोसिस सेल डिवीजन हुआ, मियोसिस, एक्चुअली मियोसिस सेल डिवीजन का डिस्कवरी तो 1905 ईस्वी में हुआ था, लेकिन माइटोसिस सेल डिवीजन की डिस्कवरी देखेंगे ना तो 1888 के अप्रोक्स में ही हुआ है। एटोल कहने का मतलब है कि जब सेल डिवीजन की डिस्कवरी हो रही थी ना, उस समय काफी चीजों की डिस्कवरी हुई। उसी टाइम डिस्कवरी किसका हुआ था? तो क्रोमोसोम का हुआ था। क्रोमोसोम कितने शब्दों के मिलने से बना होता है? दो, क्रोमो और सोमा। क्रोमो का मतलब होता है कलर और सोमा का मतलब होता है बॉडी। मतलब ऐसी बॉडी जिसको एसिटोकार्बिन से रंगने पर रंगा जाए, तो इस तरीके की बॉडी को हम लोग क्या कहते हैं? क्रोमोसोम कहते हैं। और क्रोमोसोम का डिस्कवरी किसने किया था? वॉल्डेयर ने। कब किए थे? 1888 में किए थे। अच्छा, एक चीज देखिएगा, नॉर्मली यदि बात करें, हम ह्यूमन की बात करते हैं, चलिए ह्यूमन की बात करते हैं, तो ह्यूमन में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? यदि बात करें तो आपको होगी 46। ये होता है 46 क्रोमोसोम में पड़ा रहता है। अब एक चीज समझना है, ये जो 46 क्रोमोसोम जो होते हैं ना, ये दो प्रकार के होते हैं। एक तो ऑटोसोम होते हैं, AUTO, ऑटो सोम, ठीक है, और दूसरे वाले को कहा जाता है सेक्स क्रोमोसोम। चलो बात समझना, एक को कहते हैं हम लोग ऑटोसोम और दूसरे वाले को क्या कहते हैं? सेक्स क्रोमोसोम। अब एक चीज देखिए, जो ऑटोसोम की संख्या होती है ना, वो मेल हो या फिर फीमेल हो, लड़का हो या फिर लड़की हो, बच्चा हो या फिर बच्ची हो,
सब में इसमें पाया जाता है 44। ऑटोसोम की संख्या कितनी होती है? और जो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं ना, ये इसकी संख्या होती है दो, यानी 44, 45, 46। सॉरी गलती बोल दिए क्या? 46। हाँ सही तो है, 46 ही ना क्रोमोसोम होता है। ठीक है, तो 44 क्या होगा? ऑटोसोम होगा, और दो जो क्रोमोसोम होगा वो सेक्स क्रोमोसोम होगा। अच्छा एक चीज देखिए, ये जो सेक्स क्रोमोसोम जो होते हैं ना, ये भी दो प्रकार के होते हैं। एक को कहते हैं एक्स क्रोमोसोम और एक को कहते हैं वाई क्रोमोसोम। जिसमें जिस इंडिविजुअल में, जिस पर्सन में ये होता है वो होगी लड़की, और जिसमें ये होता है तो ये क्या होगा? लड़का होगा। हाँ भाई, लड़का लड़की, लड़का लड़की, ऐसे कोई बात नहीं है। देखो जिसमें एक्स एक्स होता है ये होगी लड़की, और ये होगा क्या होगा? ये बाबू होगा, ये बबनी होगी, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इतना चीजें, तो ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट थी हम लोगों के क्रोमोसोम का। ठीक है, चलिए अब हम करते क्या है कि एक सेल ले लेते हैं। ठीक है, जैसे सपोज डेट हमने क्या कर लिया, एक सेल लिया। ठीक है ना, और इस सेल्स के न्यूक्लियस को ले लिया, और न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमोसोम है उसको निकाल लिए। ठीक है, और क्रोमोसोम को निकाले तो इसका जब स्ट्रक्चर देखोगे ना तो आपको ऐसे दिखाई देने वाला है, इस तरीके का। ठीक है, और बीच में ऐसे रहते हैं। तो ध्यान में रखना, ऊपर वाले को हम लोग कहते हैं शॉर्टर आर्म, SHORTER, शॉर्टर आर्म। ठीक है, नीचे वाले को कहते हैं लॉन्गर, लार्जर कह लो, LARGER, लार्जर आर्म कह लो। ठीक है, दो चीजें, एक छोटा वाला और एक बड़ा वाला, छोटा वाला और एक बड़ा वाला। लेकिन ये जो बीच में जो दिखाई दे रहा है ना, इसका नाम है सेंट्रोमियर। क्या नाम है इसका? मियर, मियर। बात समझना, ऊपर वाले का शॉर्टर आर्म, नीचे वाले को लार्जर, और बीच में क्या होगा? सेंट्रोमियर। और एक चीज देखना, ये जो सेंट्रोमियर होता है ना, ये स्पेशल प्रकार के प्रोटीन से मिलने के बना होता है, और जिसको हम लोग कहते हैं काइनेटोचोर प्रोटीन। सॉरी चोर नहीं, कोर, चोर लिखते हैं लेकिन कोर पढ़ते हैं। क्या कहते हैं इसको? काइनेटो कोर प्रोटीन, चोर नहीं, काइनेटो कोर प्रोटीन। यानी आपने क्रोमोसोम के बारे में क्या चीजें समझा? कुछ चीजें समझा। पहला तो क्रोमोसोम को निकालने के बाद निकाल के देखेंगे तो ऊपर दिखाई देगा शॉर्टर, नीचे वाला दिखाई देगा लार्जर, बीच में दिखाई देगा सेंट्रोमियर, और इसके पास प्रोटीन रहता है, क्या कहते हैं? अच्छा एक चीज देखना, ये जो सेंट्रोमियर जो है ना, सेंट्रोमियर जो मौजूद है, तो इसकी यदि स्ट्रक्चर थोड़ा सा मैं डिटेल करूं, बात समझो थोड़ा, क्योंकि बहुत आसान है, टफ नहीं है, दिमाग लगाएंगे समझ में आएगा। तो ऊपर वाला जो शॉर्टर आर्म होता है ना, इसके दो आर्म होते हैं। शॉर्टर आर्म के कितने आर्म होते हैं? देखो एक और दो, ये तो दिल जैसा बन गया, ऐसा कुछ नहीं है। नीचे वाला देखो लार्जर आर्म है, ये भी कितना होता है? तो मेरा मकसद ये बनाने का नहीं था, मेरा मकसद बनाना का है क्रोमोसोम, और बन जा रहा है कुछ। देखो ये है शॉर्टर आर्म और ये क्या है? लार्जर आर्म। तो शॉर्टर आर्म की भी संख्या कितनी होती है? दो। जैसे मान लीजिए ये एक मेरा है ऐसे, और इसके पीछे इसको छुपा दिए, तो आप देखोगे तो कितना, सिर्फ एक ही ना दिखाई दे रहा है, लेकिन वास्तव में इसके पीछे भी है। अब इसको जब आप ऐसे करोगे ना, तो ऐसे करोगे तब जाकर के दिखाई देगा। तो ऊपर भी दो को दिखाई देगा, नीचे भी दो दिखाई देगा। तो ऊपर वाले इन दोनों को हम लोग कहते हैं सिस्टर क्रोमेटिड। बोलो ऐसा ही, सिस्टर क्रोमेटिड, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। सिस्टर क्रोमेटिड क्या है? तो वास्तव में जो आर्म मौजूद है ऊपर शॉर्टर और छोटा वाला, अरे भाई एक हम है और मेरे बगल में है तो मेरा भाई होगा, लेकिन मैक्सिमम यहाँ पे क्या सिस्टर ही यूज किया जा रहा है। तो जो एक दूसरे से पहले, जैसे इसकी बहन कौन हुई? ये हुई। इसकी बहन कौन हुई? ये हुई। तो इस तरीके से हमने स्ट्रक्चर देखा। एटोल कहने का मतलब है क्रोमोसोम के कितने आर्म होते हैं? दो आर्म होते हैं, एक को हम लोग कहते हैं शॉर्टर आर्म, एक को कहते हैं लार्जर आर्म। बीच में जो प्रोटीन मौजूद होता है उसे हम लोग कहते हैं काइनेटो सेंट्रोमियर कहते हैं, और वो किस प्रोटीन का बना रहता है? काइनेटोकोर प्रोटीन के मिलने से बना होता है। आगे की तरफ बात करें तो जो शॉर्टर और लार्जर आर्म होते हैं, इसके दो दो आर्म और भी होते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? सिस्टर क्रोमेटिड के नाम से जानते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं है ना? डाउट है? डाउट नहीं होना चाहिए। अच्छा एक चीज देखना, ये जो
सेंट्रोमियर है ना, इस सेंट्रोमियर के आधार पे क्रोमोसोम कई प्रकार के होते हैं। सेंट्रोमियर के आधार पे क्रोमोसोम कई प्रकार के होते हैं। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पे सेंट्रोमियर कितना है? एक है, दो है, तीन है, कितना है? एक है ना। तो जब सेंट्रोमियर की संख्या एक रहेगा तो उसे हम लोग कहेंगे मोनोसेंट्रिक क्रोमोसोम, मोनोसेंट्रिक क्रोमोसोम। अरे बस हमें, जब सेंट्रोमियर की संख्या कितना रहे, सिंगल रहे, तो मोनोसेंट्रिक क्रोमोसोम। अच्छा आप बताइए, जब सेंट्रोमियर की संख्या दो रहे, एक ऊपर रहे वो नीचे रहे, तो दो सेंट्रोमियर हो जाएगा ना, तो उसे हम लोग कहेंगे डाइसेंट्रिक क्रोमोसोम। ठीक है, जब तीन रहे तो ट्राइसेंट्रिक क्रोमोसोम, चार रहे तो टेट्रासेंट्रिक, पांच रहे तो पेंटासेंट्रिक, ऐसे ऐसे करके आप बनाते जाओगे। एडम कहने का मतलब है कि सेंट्रोमियर के बेसिस पे जो क्रोमोसोम होते हैं ना, कई प्रकार के होते हैं। जब सिंगल रहेगा तो मोनोसेंट्रिक, दो रहेगा तो डाइसेंट्रिक, तीन रहेगा तो ट्राई, चार रहेगा तो टेट्रा, पांच रहेगा तो पेंटा। कोई दिक्कत तो नहीं है ना। चलो एक चीज और भी देखना, ये तो बात हुआ किसके आधार पे, सेंट्रोमियर के आधार पे, लेकिन एक चीज और देखना, ये जो सेंट्रोमियर का पोजीशन है कहां पे मौजूद है, इस बेसिस पे क्रोमोसोम जो होते हैं ना चार प्रकार के होते हैं। इसे मिटाऊं, इसे मिटा देते, इसे मिटाते हैं। देखिए ध्यान से समझिएगा, क्योंकि बहुत छोटी सी टॉपिक है, एनसीईआरटी की छोटी सी लाइन है जो बच्चों को समझ में नहीं आता। ये सेंट्रोमियर के बेसिस पे क्रोमोसोम कितने प्रकार के, चार प्रकार। देखिए थोड़ा ध्यान से समझिए, ये रहा एक क्रोमोसोम, तो इसमें आप सेंट्रोमियर देखो तो बिल्कुल बीच में मौजूद है, सेंटर में मौजूद है, तो इस तरीके के क्रोमोसोम को हम लोग कहते हैं सेंट्रो या फिर मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम, मेटा सेंट्रिक क्रोमोसोम, सेंट्रो या फिर मेटा सेंट्रिक क्रोमोसोम कहते हैं। क्यों कहते हैं भाई? क्योंकि इसमें सेंट्रोमियर कहां मौजूद है, सेंटर में मौजूद है। मेटा सेंट्रिक क्रोमोसोम, मेटा माने क्या होता है, बीच में। चलो आगे थोड़ा समझते हैं, एक और हम आपको क्रोमोसोम बनाते हैं, ठीक है। आप थोड़ा सा नोटिस करोगे तो ये तो बिल्कुल बीच में दिख रहा था, लेकिन ये थोड़ा सा हाइट पे है, थोड़ा ऊपर है, ये वाला बड़ा है, ये वाला क्या है, छोटा है। अच्छा एक देखो, इसमें छोटा और बड़ा है, लेकिन इसमें क्या है, दोनों आर्म क्या है, सिमिलर है, और इसमें क्या है, छोटे और बड़े हैं, ठीक है। एक और हम क्रोमोसोम बताते हैं, देख रहे हो ये बिल्कुल ही छोटा हो गया, और ये क्या हो, बिल्कुल ही बड़ा हो गया, तो ये बिल्कुल छोटा और ये हो गया बिल्कुल बड़ा। एक और चीज देखना थोड़ा सा, इसमें तो छोटके गायब हो गया, और सेंट्रोमियर क्या, बिल्कुल टिप पे। तो जिसमें सेंट्रोमियर बिल्कुल टिप पे रहता है, बिल्कुल शीर्ष भाग पे रहता है, इसे हम लोग कहते हैं टीलो सेंट्रिक क्रोमोसोम, टीलो सेंट्रिक, दिख रहा है ना इधर सेंट्रिक क्रोमोसोम, ठीक है, टेलोसेंट्रिक क्रोमोसोम। इसको हम लोग कहते हैं सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। एक चीज देखना, टेलोसेंट्रिक क्रोमोसोम इसको हम लोग कहते हैं सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम, सब मेटा सेंट्रिक क्रोमोसोम, ये हुआ आपका। और इसको हम लोग कहते हैं एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम कहते हैं, एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम इसको हम लोग बोलते हैं, एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम, और इसे हम लोग क्या कहते हैं, मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। एडो कहने का मतलब ये है कि ये सेंट्रोमियर के आधार पर क्रोमोसोम कितने प्रकार के, चार प्रकार के। पहला हुआ आपका मेटासेंट्रिक या फिर सेंट्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम, दूसरा हुआ आपका एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम, तीसरा हुआ सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम, और चौथा क्या हुआ, टेलोसेंट्रिक। ये सभी के सभी क्या है, ये क्रोमोसोम के टाइप है। एटोल आपने क्रोमोसोम दो प्रकार के समझा, पहला तो सेंट्रोमियर के संख्या के आधार पे,
यदि संख्या एक रहेगा तो मोनोसेंट्रिक, दो रहेगा तो डाइसेंट्रिक, तीन रहेगा ट्राई, चार रहेगा ट्रिकेट्रा, पेंटा हेक्सा, जितना मन करे उतना बना लो। लेकिन यहाँ पे देखो जब सेंट्रोमियर कहाँ पे है, बिल्कुल टिप पर है, तो बिल्कुल टिप पर है तो उसे हम लोग टीलोसेंट्रिक कहेंगे, टिप से थोड़ा सा नीचे है तो उसे हम लोग कहते हैं सबमेटासेंट्रिक कहेंगे, उससे भी और नीचे है तो एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम, एकदम बिल्कुल सेंटर में मौजूद है तो मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। अच्छा देखना इसे सब मेटासेंट्रिक क्यों कह रहे हैं और इसे मेटासेंट्रिक क्यों कह रहे हैं, क्योंकि देखो यदि इसकी लेंथ माना जाए, इसकी लेंथ माना जाए तो मान लो 2 सेंटीमीटर यदि है, 2 माइक्रोन है, ठीक है इसकी लेंथ, तो ये जो मौजूद होगा ना इसके हाफ पार्ट में मौजूद होगा, यानी 1 माइक्रोन के पास, अरब असन में ना यहां पे मौजूद होगा, इसीलिए इसे हम लोग सब मतलब आधा का भी आधा, अरब असन में ना आधा का भी आधा होगा तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम नाम से जानते हैं। यहां तक कोई डाउट है, एक बार हम लोग रिकॉल करते हैं, हम लोग पढ़ के आ रहे हैं क्रोमोसोम। अरे भाई क्रोमोसोम 2 शब्दों के मिलने से बना है, क्रोमो और सोमा। सोमा का मतलब क्या होता है, बॉडी, कलर मतलब, क्रोमो का मतलब होता है कलर, मतलब ऐसी बॉडी जो कि क्या हो, कलरफुल हो, उससे हम लोग क्या कहते हैं क्रोमोसोम। क्रोमोसोम का डिस्कवरी किसने किया था, कब किए थे, हाँ क्रोमोसोम का डिस्कवरी वाल्डेयर ने, और 1888 में क्रोमोसोम का डिस्कवरी हुआ था। चलो कोई बात नहीं, अच्छी बात है। अच्छा एक चीज देखिए, क्रोमोसोम कितने प्रकार के होते हैं, 4। पहले 2 प्रकार के, एक तो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर और दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ देयर पोजीशन, वो कहां पे पाया जा रहा है और उसकी संख्या कितनी है, किसकी, तो सेंट्रोमियर की। जब क्रोमोसोम में उसकी संख्या को देखा जाएगा सेंट्रोमियर के, तो मोनोसेंट्रिक, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, ठीक है ना। लेकिन जब क्रोमोसोम में उसकी पोजीशन को देखोगे, अच्छा एक चीज देखो, मान लो क्या बताएं, मान लो बहुत अच्छा एग्जांपल है लेकिन बोल नहीं सकते हैं, मान लो ये वाला मेरा सेंटर पोजीशन है, ठीक है ये मेरा बिल्कुल सेंटर में मौजूद है, तो इसे इब्राहिम सर क्या है, सेंट्रोसेंट्रिक, सेंटर में मौजूद है। मान लो ये यहाँ पे मौजूद होता, यहाँ पे छेद होता तो मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, मान लो मुड़ी पे होता यहाँ पे दुर्गा जी की तरह वही कहीं भी होता तो टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम कहते ना ऐसे। चलो कोई बात नहीं, इतनी चीज समझ में। अच्छा अगला हेड, अगला इसी में पढ़ना है कि क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर क्या होता है, बात समझना। क्रोमोसोम यस यमी देखना, क्रोमो ये तो स्पेलिंग मेरा दिमाग खराब कर देता है। देखो क्रोमोसोम का हमें क्या करना है, स्ट्रक्चर देखना। यदि क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर देखोगे ना तो कुछ कुछ चीजें इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको चंद मिनटों में हम समझाने वाले हैं, बात समझ। जब आप क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर देखोगे तो देखो पहले बना देना है ऐसे, कैसे ऐसे बनाना है, ठीक है ना। ईसे मिटा दे क्या नी को, जहां दे रहे नी तो दिक्कत करेगी। अब एक और चीज देखना, नीचे क्या करना है, थोड़ा सा ऐसे मुंडी जैसे बना देना है, बना दोगे, दो जगह मिटा देना है, यहां भी मिटा देना है, यहां भी मिटा देना है, ठीक है ना, और इसको ले आकर के यहां पे मिला देना है, कर दोगे, इसको थोड़ा ऐसे धसा देना, इसको यहां पे ऐसे कर देना, ध्यान दो ऐसे ही बनाना है आपको, बहुत टफ चीजें नहीं है, बहुत ही आसान है, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो समझ जाओगे, ठीक है। अच्छा एक चीज देखिए, यहाँ पे क्रोमोसोम कैसे था, ऐसे था ना, और इसी को हम जानते हो क्या कर रहे हैं, इसी को थोड़ा सा मॉडिफाई करके इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से फिगर दिखा रहे, इसी को बहुत ज्यादा, ये इतनी छोटी, इतना बड़ा देख रहे हो ना, ये छोटा और ये बड़ा है, तो जो बीच में क्या मौजूद था यहाँ पे बताओ, बीच में क्या था, सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर जब भी हम लिखते हैं ना कुछ और ही याद आता, अभी बता रहे क्या याद आता, तो यहाँ पे क्या मौजूद होगा, सेंट्रोमियर। अच्छा एक चीज देखना, यहाँ सेंट्रोमियर की संख्या हम लोग 2 बना रहे हैं, तो ये होगा क्या, डाइसेंट्रिक क्रोमोसोम, कुछ नहीं होगा, याद करो बस ये क्या है, सेंट्रोमियर। बीच में जो मौजूद होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, सेंट्रोमियर, ठीक है ना। अच्छा एक चीज देखिए, इसके बाहर ये जो लेयर पाया जा रहा है ना, ये वाली लेयर, इसको हम लोग कहते हैं पेलिकल, क्या बोलते हैं, पेलिकल क्या है, तो ये मेम्ब्रेन है, जैसे मान लो हम भी हैं तो कपड़ा पहने हैं ना, कपड़ा पहने तो ये मेरा क्या होगा, पेलिकल्स हुआ, ये सबसे बाहर वाला मेम्ब्रेन क्या हुआ, पेलिकल।
और पेलिकन के अंदर पूरा का पूरा लिक्विड जेली लाइक मटेरियल बना रहता है, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मैट्रिक्स। इसमें क्या मौजूद होगा, मैट्रिक्स होगा, ठीक है ना। अब थोड़ा समझना, यहां पे समझने वाली बात है। इसमें देखा गया है कि पेलिकिल जो मौजूद है ना, इस पेलिकिल के ऊपर एक यहां पे धसा हुआ है, यहां पे धसा हुआ है और यहां पे है ना, धसाव मौजूद है ना। तो जो बिल्कुल बीच में मौजूद होता है, इसे हम लोग कहते हैं प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन, प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन, कॉन्स्ट्रिक्शन। दिख रहा है कि नहीं, दिख रहा है, प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन यहां पे लिख दे रहे हैं, एकदम दिखेगा कहां नहीं दिखेगा। चलो प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन इसको बोलते हैं, और जो नीचे वाला जो मौजूद है ना, ये वाला जो मौजूद है ना, इसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन। यहां लिखेंगे, यही लिख दे रहे हैं, CONDORY, सेकेंडरी DRY, चलो कोई दिक्कत नहीं, कॉन्स्ट्रिक्शन। चलो अब बात समझो, ये जो धसा हुआ है ना, इसको सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन फर्स्ट बोलते हैं, और इसको सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन सेकेंड बोलते हैं। याद हो जाएगा ना। अब देखो मेन पॉइंट, ये तो बाहर बाहर देख रहे थे, अभी थोड़ा अंदर की तरफ चलते हैं। इसके अंदर देखोगे ना तो कुछ ऐसे धागे जैसी संरचना पाई जाती है, ठीक है ना, कोई दिक्कत है, दर्द भी नहीं होना चाहिए। देखो ध्यान से समझोगे समझ में आ जाएगा, कुछ धागे जैसी संरचना होती है। इसको हम लोग कहते हैं क्रोमोनीमा। कहाँ लिखे, यहां लिख रहे, उधर भी बहुत कुछ लिखना, इसको लिखते। अच्छा यहां भी देखो, यहां भी मौजूद होगा, कोई डाउट नहीं है। तो इसको हम लोग कहते हैं क्या, सेंट्रो सॉरी क्रोमोनीमा, CHRO, क्रोमो नीमा, नीमा, एक नीमा नाम की मेरी फ्रेंड है नीमा, तुम भी लोग सोच रहे थे कितनी फ्रेंड है सर सर की, नहीं फिर इसका नाम क्या है, सेंट्रो नीमा, ऐसा कोई बात नहीं है, नीमा नाम का सारा फाता बहुत ज्यादा। तो ये है क्या, सेंट्रो सॉरी क्रोमो नीमा। और एक चीज समझना, ये जो क्रोमोनीमा मौजूद है ना, ये जो दो ठे मौजूद है, ये वो दो देख रहे हो ना, दो वो क्रोमोनीमा को मिला करके कहते हैं हम लोग क्रोमेटिड। क्या बोलते हैं, क्रोमेटिड, देख रहे हो, इसका नाम क्या था, क्रोमेटिड था, क्या कहते हैं, क्रोमेटिड। तो ये क्या हुआ, इसका सिस्टर क्रोमेटिड ना हुआ, यानी एक क्रोमेटिड में क्रोमोनीमा की संख्या कितनी, दो, अरे भाई भाई दोनों के मिला के दूगो होगा क्रोमेटिड, और एगो क्या होगा, क्रोमोनीमा होगा। और एक चीज समझना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, भाई जो ऊपर की तरफ धगवा जैसे गया है, धागे जैसे गया है, इसका नाम क्या है, क्रोमोनीमा। लेकिन क्रोमोनीमा के ऊपर देखा गया ना, ऐसे गोल गोल संरचना पाया जाता है, कैसन गोल गोल ये तो बच्चे वाली बात हो गई, गोल गोल नहीं, देखो गोल गोल संरचना पाया जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं क्रोमोमियर। क्या बोलते हैं, क्रोमोमियर, क्रोमोमियर। कहोगे सर आप कितना कंफ्यूज करते हैं, नहीं बात समझो, इसको क्या बोलते हैं, क्रोमोमियर। देखो कंफ्यूजन मत होना, थोड़ा सा दिमाग लगाना भाई, जब बीच में मौजूद था तो सेंट्रोमियर था, हाँ यो गोल गोल है, यो गोल गोल है, तो ये गोल का गोल का तो नाम क्या है, क्रोमोमियर। इसका नाम क्या है, सेंट्रोमियर। डाउट नहीं है, नो सर। अच्छा एक चीज देखना भाई, धागा जैसे था ना, तो नीमा का मतलब होता है थ्रेड, थ्रेड का मतलब होता है धागा, तो ये जो धागा जैसे दिखाई दे रहा है ना, इसका नाम है क्रोमोनीमा, ठीक है। और इसका नाम क्या है, क्रोमेटिड। क्रोमेटिड की संख्या कितनी होती है, दो होती है। और कुछ बच के लास्ट बच गया। अब देखो इस क्रोमोसोम के अंदर ये यहां पे जो दिखाई दे रहा है, ये वाला रीजन जो दिखाई दे रहा है, जिसे देख रहे हो कुछ ऐसे फुला फुला दिखाई दे रहा है, देख रहे हो, तो ये जो रीजन जो दिखाई दे रहा है ना, इसका नाम है सैटेलाइट। क्या नाम है, सैटेलाइट, सैटेलाइट।
यहाँ एल आई जी एस टी मत लिखना, लाइट मैंने वो नहीं होता, ये होगा क्या सैटेलाइट होगा। और जिस क्रोमोसोम में सैटेलाइट उपस्थित हो रहा है ना उसको हम लोग कहते हैं शैट क्रोमोसोम। क्या क्रोमोसोम बोलते हैं? चलो तो ये सारा का सारा हुआ क्या क्रोमोसोम की संरचना, सारा चीजें आप याद कर लोगे, बहुत ज्यादा टफ की चीजें नहीं है। एक बार देखो, दो मिनट में आपको पूरा रिकॉल करके दिखाते हैं। सबसे पहले क्रोमोसोम का डिस्कवरी किसने किया था? वाल्डेयर ने। कब किए थे? तो 1888 से किए थे। आगे की तरफ बात करें, क्रोमोसोम कितने प्रकार के होते हैं? तो भाई दो प्रकार के, एक तो ऑन द बेसिस ऑफ देयर नंबर एंड सेकेंड ऑन द बेसिस ऑफ देयर पोजिशन। नंबर के आधार पे भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे मोनोसेंट्रिक डाइस, सॉरी क्या था, जब एक रहेगा सिंगल रहेगा, मोनोक्रोमोसोम नहीं सिंगल मौजूद होगा, मोनोसेंट्रिक, डाइसेंट्रिक, ट्राइसेंट्रिक, टेट्रासेंट्रिक, पेंटासेंट्रिक, ऐसे होगा। ओ सॉरी, हम तो कंफ्यूज कर दिए तुम लोग। और जब उसके पोजीशन के हिसाब से देखें तो पोजीशन के हिसाब से जब बीच में मौजूद होगा तो मेटा, उसके ऊपर होगा तो एक्रोसेंट्रिक, सब बीच में होगा तो क्या होगा मेटासेंट्रिक, और सबसे टिप पे होगा तो टेलोसेंट्रिक। और लास्ट हेडिंग हम लोग का स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। यदि स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम की देखिए तो सबसे बाहर की तरफ क्या दिखाई देता है? पेलिकल दिखाई देता है। अरे पेलिकल क्या है? ये जैकेट है जो पहना हुआ है, जैसे मेरा भी देखो एक कवरिंग है ना, एक ही पहने इतना ठंडी में भी, तो ये पेलिकल है, ठीक है। सबसे बाहर की तरफ जो लेयर होता है इसके अंदर पूरा का पूरा लिक्विड जेली कलर का मटेरियल भरा रहता है, जिसे हम लोग बोलते हैं मैट्रिक्स बोलते हैं। और इस मैट्रिक्स में देखा जाए ना तो बिल्कुल सेंटर वाला जो पोजीशन होता है उसे हम लोग कहते हैं सेंट्रोमियर। अच्छा एक चीज देखना, ये जो पेलिकल है जगह जगह पे धंसा रहता है, यहाँ पे धंसा रहेगा प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन, यहाँ पे धंसा रहेगा तो सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन फर्स्ट, और ये हो जाएगा सेकेंड। सेंट्रोमियर से धागे जैसी रचनाएं निकले रहती है, इसे हम लोग कहते हैं क्रोमोनिमा बोलते हैं। और ये क्रोमोनिमा जो है ना इसके ऊपर खूब ज्यादा गोल गोल संरचना पाया जाता है, कैसा गोल गोल संरचना पाया जाता है, इसको हम लोग कहते हैं क्रोमोमियर। चलो आई होप यहाँ तक सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी, और आप देख रहे हैं ब्रायन सर को, आपको पता ही है क्या करना। यदि सारी चीजें अच्छे से समझ में आई होंगी तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको समझ में जो आ गया।